नमस्कार। आज की ताजा अपडेट के साथ मैं हूं अशोक वर्मा। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। आइए अब शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। खबर यूपी के जौनपुर जिले से है, जहां जिले के थाना सराय ख्वाजा के अंतर्गत खलीलपुर गांव निवासी 20 वर्षीय युवक जय कुमार को ग्राम कयार स्थित किराना के दुकानदार व उसके भाइयों ने मारपीट कर घायल कर दिया है। कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित ने एसपी से शिकायत की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के खलीलपुर गांव निवासी जय कुमार व उसके परिजनों ने बताया कि सुबह 8 बजे दुकान पर कुछ सामान लेते समय पैसे के लेन देन के दौरान कुछ कहासुनी हो गई, जिनसे दुकानदार चंद्रशेखर, दीपचंद, कमलेश, त्रिवेणी, किसान, चुनमुन और गोरख गोलबंद होकर उससे धारदार हथियार से सिर पर वार कर घायल कर दिया। उसके सिर में काफ़ी चोटें आई हैं, लेकिन मुकामी थाने की पुलिस आरोपियों के खिलाफ हल्के धाराओं में चलान कर इस वारदात को हल्के में ले लिया है। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। सर, मेरा नाम जय कुमार है। ग्राम पोस्ट खलीलपुर में कयार गया था सामान लेने के लिए, तो जो मुझे सस्ता लगा वो हमने लिया। उसके बाद उन्होंने जो मुझे सस्ता जो मिला, फिर उसके बाद जो महंगा दे रहे थे हमने कहा उनसे सामान रखा लेने जा रहे हैं। उसके बाद महंगा जो लग रहा था हम दूसरे ठेके से लेने जा रहे थे। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि अच्छा मेरा बोनी नहीं हुआ, मेरा बोनी करा दो। हमने ऐसा किया कि 400 उनका 800 रुपये का 884 रुपये का हुआ था सर बिल, और 400 रुपये देकर जा रहे थे। तो हमने बोला कि ये सामान रखो और फिर उसके बाद हमारे वापिस पैसा देकर हम अपना सामान ले जाएंगे। फिर इतनी सी बात कह रहे हैं कि नहीं यहाँ से पूरा पैसा देकर जाओ। तो हमने कहा चलो ठीक है हम नहीं ले जाएंगे। फिर उसके बाद फिर चार पड़ाका मार कर फिर मैंने साइकिल रख ली है, फिर उसके गाड़ी भी देने लगे। फिर उन्होंने फिर मैंने फिर घर पर फ़ोन किया अपने घर पर फ़ोन करने के बाद मेरे भाई भी आए और पूछ रहे थे। फिर उसके बाद पीछे से उनके भाई सब लोग आए थे मारने लगे सीधा। फिर उसके बाद मारपीट रहे हुई तो सर एक पुलिस जा रहे थे इधर से क्या की तरफ जो घर की तरफ जा रहे थे। उसके बाद चलते गए फिर वो हुआ है लड़ा करवा कर थोड़ा। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि अच्छा पैसा दे दो। फिर पैसा मैंने सारा पैसा उनका दे दिया। फिर उसके बाद पुलिस वो चले गए। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि बचाओ सामान वामान कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग सब लोग वापस लौट कर आ रहे थे। फिर उसके बाद पीछे से आकर हमला कर टांग लेकर पीछे से आकर मार दी मेरे कपाल कट गया है। उसके बाद हम लोग सीधा थाना पे गए, थानों से रिपोर्ट वपोर्ट लिखा कर फिर डॉक्टर मुआयना कराने गए। उसके बाद मेरे बाबा और एक गाँव के लोग और आ रहे थे रास्ते में मिलकर उन लोगों को भी पीटा उठा होता है। उसके बाद मारने की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं अच्छी पार्टी के लोग, अच्छी पार्टी के लोग। उनका सारा नाम बताओ। और एक नाम बता रहे हैं उनका, एक का नाम था चंद्रशेखर और कमलेश और गोरख, पिता का नाम और पिता का नाम था उनके आधार राम आधार। और फिर इसके बाद और एक चुनमुन था और कृष्णा था एक और त्रिवेणी त्रिवेणी और दीपचंद गौतम इतने लोग थे। और हमेशा वहाँ पे जा रहे थे धमकी दे रहे मारने पीटने की, कहें जब मिलोगे तब पीटेंगे हम तुम लोगों को। हाँ सर ऐसे बोल रहे हैं। अब हम लोग क्या करें।